Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is on fundamentals. The concept is how to prepare profit and loss account and characteristics and features of profit and loss appropriation account, distinction between profit and loss account and the profit and loss appropriation account. और के सबसे जो फर्स्ट हम इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और सबसे गंदा चीज होता है दिस अप्रोप्रिएशन या अप्रोप्रिएशन चीजें होता क्या है ये खर्चा नहीं है एक्सपेंडिचर नहीं है तो व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है टू अप्रोप्रिएट सम आइटम्स एंड द रेस्ट अमाउंट इट इज नॉट ए एन टी इट इज एंड एंड द रेस्ट अमाउंट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर अप्रोप्रिएट करने के बाद जो बचेगा उसको प्रॉफिट समझेंगे The profit and loss appropriation account is an extension of the profit and loss account. ये profit and loss account का extension है. इसको बोलते हैं profit and loss appropriation account. This account is credited with net profit and interest on drawings and debited with interest on capital, salary to partners, commission to partners and transfer of some amount to general reserve fund. Or any specific profit sharing fund. These appropriations are made if there is provision for appropriation in the partnership deed regarding the above appropriations. ये सब कुछ होता है जब partnership deed में provision होता है. Next one, characteristics or features of a profit and loss appropriation account. उसका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या क्या होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वन इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट ओनली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद नेट प्रॉफिट ओनली खाली अगर प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट तब अप्रोप्रिएशन बनेगा लॉस में नहीं बनेगा सो इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है सेकेंड इन केस ऑफ अ नेट लॉस अगर नेट लॉस है दिस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ये बन ही नहीं सकता थर्ड होता है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आर ऑल नॉमिनल अकाउंट फोर्थ वन This account is prepared by partnership firms and companies. ये जो account है ये partnership firm भी बनाता है appropriation account और companies भी बनाता है दोनों बनाते हैं Then fifth, this account discloses how the net profit made during the year has been appropriated. This account discloses ये account दिखाता है how the net profit made. During the year has been appropriated. ये account दिखाता है कि जो net profit जो इस साल के अंदर हुआ है तो ये कैसे appropriate होता है ये account दिखाता है appropriate मतलब keeping aside खर्चा नहीं है This account is prepared by the clauses of a partnership agreement. ये अगर partnership agreement में clause होगा तभी बनता है और partnership deed और आइदर पार्टनरशिप डीड में और द रूल्स स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल स्पेसिफाई हो रखा है उसके हिसाब से बनता है इसको बोलते हैं हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है मैं आपको ऐसे बताता हूं जैसे आपके सैलरी 1 लाख है उसमें आपके घर का खर्चा रेंट वगैरह आप देते हो 30,000 रुपये निकल जाते खाने पीने के और रेंट में उसको बोलते हैं खर्चा और बाकी 70,000 से 10,000 पोस्टल में रख लिया और 15,000 LIC का प्रीमियम दे दिया और 45,000 बैंक के
बैंक में एफडी कर लिया तो 30,000 खर्चा है, 70,000 अप्रोप्रिएशन है, आपने रखा है बाद में आपको मिलेगा। तो अप्रोप्रिएशन इज कीपिंग असाइड, ये जो प्रॉफिट को हम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन के हिसाब से बांट लेते हैं। अदरवाइज ये भी प्रॉफिट है, ये भी पार्टनर को पेएबल है, उसका तरह तरह करके प्रॉफिट को लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब एक्सपेंडिचर नहीं है। देन ये छठा के बाद, दिस वाज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस वाज ऑल अबाउट। इसका नेक्स्ट में आएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये एक एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। The following are the distinction between the profit and loss account and profit and loss appropriation account. ये profit and loss account और profit and loss appropriation account के बीच में distinction। इसका जो basis होता है, कौन से basis पे distinction होगा? The basis one is, this is basis, first one is profit and loss account, second one is profit and loss appropriation account। इसमें होता है when prepared, कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद बनता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। पर्पस, इसका क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू शो द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है कितना प्रॉफिट हुआ और कितने लॉस सफर किया, ये दोनों बताने के लिए बोलता है। एंड द पर्पस अप्रोप्रिएशन का होता है, द पर्पस इज टू शो द प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड, कितने प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हुआ, लॉस तो अप्रोप्रिएट होता नहीं है, कितना प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हुआ, इधर उधर का ट्रांसफर हुआ। थर्ड, हु प्रिपेयर्स, कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर मतलब इंडिविजुअल बिजनेसमैन, पार्टनरशिप फार्म्स एंड ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बट इनकेस ऑफ, बट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फार्म्स एंड द कंपनीज, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फार्म्स, ये खाली बनता है पार्टनरशिप फार्म बनाते हैं और कंपनीज बनाते हैं, पार्टनरशिप फार्म्स और कंपनीज दोनों बनाते हैं और अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ होता है बैलेंसेस, बैलेंसेस में इट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता नहीं है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बट नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग, दोनों नहीं होता है, नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग बैलेंस। बट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इट मे हैव आइदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और बोथ ऑफ देम, इसमें आइदर होता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और दोनों हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो सकता है, बोथ ऑफ देम। देन फिफ्थ, ऑल एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट आर चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस ना डेबिट साइड में चार्जेस के हिसाब से लिखा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट आर अप्रोप्रिएशन, डेबिट साइड में सारे जो होता है वो सारे अप्रोप्रिएशन के तौर पे लिया जाता है। सिक्स्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है टू प्रिपेयर दिस अकाउंट नो एग्रीमेंट और लॉ इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर्स, ये दोनों को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बनाने के लिए कोई लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट के केस में टू प्रिपेयर दिस अकाउंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज, 1932 पार्टनरशिप और डीड, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए, नहीं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली बनता है। सेवेंथ होता है मैचिंग प्रिंसिपल, कौन सा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है इसमें? मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है टू प्रिपेयर दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज फॉलोड, ये मैचिंग प्रिंसिपल का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल अकाउंट है।
to prepare appropriation के लिए to prepare this account matching principle is not followed. ये appropriation है इसलिए matching principle follow नहीं करते क्योंकि खर्चा होता नहीं इसमें. It is an appropriation to keep aside, not expenditure. इसलिए कोई matching principle follow नहीं करते. This was all about your theory. और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे वीडियोज को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए. कीप ऑन स्टडी.